एक दिन भगवान शंकर अयोध्या में ज्योतिषी बनकर के आए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अवध आजु आगमी एक आयो, आगमी आगमी माने ज्योतिषी, ज्योतिषी बनकर के भगवान शंकर आए और सोचने लगे किस बहाने मैं राम जी का दर्शन करूं। अंतःपुर में जाने का साहस नहीं, बिना अनुमति के वहां पहुंच भी नहीं सकते। तो भगवान शंकर ने योजना बनाई, बोले हम ज्योतिषी बन जाएं और सबका हाथ देख करके भूत भविष्य का वर्णन करें तो कहीं ना कहीं ये खबर महल के अंदर जाएगी और ये खबर अगर माताओं को मिल गई तो माताएं हमें जरूर बुलाएंगी अपने बच्चों का हाथ दिखाने के लिए, भविष्य वर्णन करने के लिए। और ये उपाय भगवान शंकर ने किया, अयोध्या की गली में घूम घूम करके हाथ देखने लगे। कोई मिल जाए रास्ते चलते, इधर आओ जरा हाथ दिखाना। और व्यक्ति, हाथ तो ऐसी चीज है महाराज, कोई बिना बुलाए पूछ ले, लाओ तुम्हारा हाथ देखेंगे। वो आदमी उत्सुक हो जाता, हाँ देखो भाई बताओ क्या बात। ये विद्या ही ऐसी है। आप ट्रेन में जाओ और बैठने को सीट न मिले तो वहां जो बैठे लोग हैं उन्हीं लोगों का हाथ देखने लगो, भाई आपके हाथ की रेखा तो बड़ी अद्भुत है, जरा देखे। तो आदमी कहेगा अच्छा आप ज्योतिषी भी, बोले हाँ हाँ, बोले तो हमारा भी देखो। बोले भाई बैठने की थोड़ी जगह दो तो फिर देखें। हाँ हाँ बैठो बैठो, सीट मिल जाएगी। हाथ देख करके ज्योतिषी लोग सब बता देते और भोले बाबा तो त्रिकालज्ञ हैं भगवान शंकर, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते। भोले बाबा ने हाथ देखना शुरू किया अयोध्या की गलियों में। अब तो चर्चा हो गई, अरे एक ज्योतिषी जी आए हैं। अवध आज आगम एक आयो, करतल निरख कहत सब गुणगन बहुतन परिचो पायो। हाथ देख करके सब भूत भविष्य वर्तमान बता दिया। ये चर्चा महल के अंदर पहुंची। महारानी कौशल्या ने किसी दासी से सुना तो महारानी कौशल्या ने उस दासी से कहा जाओ जाओ ज्योतिषी जी को आदर पूर्वक बुला करके ले आओ महल के अंदर, मेरी आज्ञा है। महारानी की आज्ञा हुई, दासियां गई और भोले बाबा से कहा ज्योतिषी जी महाराज आप पधारो। बोले कहाँ? बोले महल में महारानी ने आपको आमंत्रित किया है। भोले बाबा तो यही चाहते थे, आए, सुंदर आसन दिया, बैठाया, पूजन किया और उसके बाद महारानी कौशल्या ने कहा ज्योतिषी जी आप मेरे छोरों का हाथ देखो और हाथ देख करके भविष्य बताओ। भोले बाबा ने कहा ठीक है, वही तो चाहते थे भगवान शंकर। महारानी कौशल्या ने अपने कुमार रघुनंदन को सामने बैठाया और कहा मेरे छोरे का हाथ देख करके इसका भविष्य बताओ। भोले बाबा ने कहा कि हम बूढ़े हो गए हैं, इतनी दूर से हम नहीं देख सकते। बोले तब, बोले आप अपने बालक को हमारी गोद में दे दो तब हम देखें। एक बार माँ कौशल्या को थोड़ा संकोच लगा कि बाबा ज्योतिषी आदमी तांत्रिक आदमी कहीं कुछ जंतर मंत्र कर दे मेरे छोरे के ऊपर तब क्या होगा। लेकिन फिर भी भोले बाबा के नेत्रों को देखा, महारानी कौशल्या ने समझ गई इनका नेत्र कह रहा है कि ये बड़े सज्जन हैं, बड़े सरल हैं। दे दिया छोरे को, रामलला को भगवान शंकर की गोद में दे दिया। भगवान शंकर रामलला सरकार को जब गोद में लेकर के बैठे, कुछ क्षण के लिए भगवान शिव को समाधि लग गई। परब्रह्म परमात्मा को बाल रूप में देखकर, भगवान के श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त करके भगवान शिव को समाधि लग गई, नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद करके जब समाधिस्थ हो गए, महारानी कौशल्या घबरा गई, ये बाबा क्या कर रहा है, कहीं कोई जंतर मंतर न कर दे मेरे छोरे के ऊपर। मैया कौशल्या, अरे बाबा ये आंख बंद करके क्या कर रहे। तब तक भोले बाबा सावधान हो, बोले मैया मैं ध्यान कर रहा था, अपनी ज्योतिष विद्या का मैं स्मरण कर रहा था क्योंकि इसका भविष्य वर्णन करना। बोले अच्छा ठीक, बोले बताओ मेरे छोरे का भाग। अब राम जी का हाथ लेकर देख देख करके भोले बाबा वर्णन करने लगे। क्या वर्णन किया? बोले जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग का वर्णन किया। मैया ये बालक जब जन्म लिया उस समय नौमी तिथि थी, पुनर्वसु नक्षत्र था, मंगलवार दिन था। मैया ने कहा हाँ सब यही था,
अब तो मैया को विश्वास हो गया, ये ज्योतिषी जी तो बड़े सत्यवादी, इनको तो सब मालूम। भूतकाल की सारी घटनाओं का वर्णन किया। ज्योतिष विद्या की यही विशेषता होती है, ज्योतिषी लोग पहले भूतकाल की घटना बताते हैं। इतनी अवस्था में आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, तो आदमी कहेगा हाँ हाँ, बोले एक बार ऑपरेशन भी हो चुका, बोले हाँ। तो आदमी को विश्वास हो जाता कि भूतकाल की घटनाओं को ये सत्य सत्य बता रहे हैं, इसका मतलब ये सब जानते हैं। फिर तो आगे की घटना चाहे झूठे ही बता दे, आदमी तो विश्वास हो जाता है, तो बोले आगे तो आगे होगा, पता नहीं कब होगा। तो भूतकाल की घटनाओं को बता करके उसके विश्वास को आगमी लोग, ज्योतिषी लोग जीत लेते हैं। बोले बाबा ने भी भूतकाल की घटना का वर्णन किया, जन्म प्रसंग कहो, माताओं को विश्वास हो। फिर आगे बोले कौशिक मिश्र, बोले बाबा ने कहा कि ये बड़े होंगे तो गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, पढ़ लिख करके जब आएंगे तो विश्वामित्र जी आएंगे, विश्वामित्र नाम के एक महात्मा यहां अयोध्या आएंगे। बोले फिर वो इन दोनों छोरों को लेकर के जाएंगे। कहां? बोले जनकपुर, वहां पर स्वयंवर होगा और उस स्वयंवर में रघुनंदन के द्वारा धनुष टूटेगा और जनक की पुत्री जानकी इनका वरण करेंगी, फिर वहीं चारों कुमारों का विवाह होगा। ये भोले बाबा ने बता दिया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस सी स्वयंवर गायो, माताएं बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले चारों छोरों का ब्याह एक ही जगह होगा? बोले हाँ, एक ही घर में होगा। बोले उसके बाद क्या होगा? बोले बाबा ने सोचा उसके बाद जो होगा वो बताने लायक ही नहीं। क्यों? बोले राम जी का वनगमन होगा उसके बाद। बोले बाबा ने सोचा इसके आगे की बात बताएंगे तो मैया तो मुझे भगा देगी। बोले भाग जा ज्योतिषी, तू कैसी बातें करता। तब तक उनके बगल में उनके चेला बैठे थे, भोले बाबा के शिष्य। कौन? बोले काकभूषुंड जी। जब भी भगवान की बाल लीला देखने के लिए भगवान शंकर अयोध्या जाएं तो काकभूषुंड जी को साथ में लेकर के जाते हैं। काकभूषुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ, परम आनंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहिं मगन मन भूले। वो भी साथ में थे, वो जैसे जोगी के साथ एक जमूरा, वो जादूगर के साथ एक जमूरा रहता, उसी तरह साथ में काकभूषुंडी जी बालक बन करके बगल में बैठे थे। तो भोले बाबा तो राम जी रामलला का हाथ देख रहे थे और काकभूषुंडी जी, बोले काकभूषुंडी जी भगवान का चरण लेकर के धीरे धीरे अपने हाथों से सहला रहे थे, क्योंकि रामलला गोद में लेटे थे तो चरण जो है काकभूषुंडी जी के तरफ था। तो चरण को सहलाते सहलाते काकभूषुंडी जी बोल पड़े, मैया आपके बालक के चरण में ऐसी रेखा है कि इसे वन में जाना पड़ेगा। मैया तो चौंक गई, बोले बाबा जी आपका चेला क्या बोलता? गुरु जी ने कहा ये चेला कुछ नहीं जानता, ये मूर्ख है, इसके चक्कर में मत पड़ो। डांट फटकार करके काकभूषुंड जी को चुप किया। बाद में कहा देखो बेटा ऐसे काम करोगे तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, ज्योतिषी को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। बोले क्या? बोले सब कुछ जाने लेकिन उतनी ही बात बतावे जो जजमान को अच्छी लगे, हाँ तब तो ज्योतिष विद्या सफल होती है। लक्षण उर विचार सब राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे। सब लक्षण विचार कर लो लेकिन जो राजा को, सुनने वाले को, सामने वाले को अच्छा लगे उतनी बताओ। सब बताओगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, भगा दिए जाओगे।